हेलो गाइस, माय नेम इज़ शमसुल मोमिन। आप सब लोगों को खुश आमदीद। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन मल्टी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये जो है ना आज हम सॉल्व करेंगे, और ये इंटीग्रेशन जो है ना हम इंटीग्रेशन थ्रू सब्सटीट्यूशन जो है ना सॉल्व करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम जो है ना सब्सटीट्यूट करते हैं वन मल्टी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लेट यू इज इक्वल टू वन मल्टी एक्स स्क्वायर। वन मल्टी एक्स स्क्वायर को हमने सब्सटीट्यूट कर लिया थ्रू यू। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिराइवेटिव ऑफ वन मल्टी एक्स स्क्वायर जो है ना वो है मल्टी टू एक्स या साल में। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें चाहिए डी एक्स, तो इट्स इम्प्लाइज दैट डी ओ इज इक्वल टू मल्टी टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इट्स इम्प्लाइज दैट डी ओ डिवाइडेड बाय मल्टी टू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन मल्टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई वन मंथली एक्स स्क्वायर की जगह जो है ना हम यू सब्सटीट्यूट करेंगे। आप लोगों ने ये बोलना नहीं है, ठीक है, कंसेंट्रेट। ठीक है, यू स्क्वायर द रूट, और डी एक्स की जगह जो है हमने ये वैल्यू पुट करना है। ठीक है, डी यू डिवाइडेड बाई मंथली टू एक्स, तो यहाँ पे ये एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर और ये एक्स, ये कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है वन डिवाइड बाई वन फिट, ये कांस्टेंट है, ये हम डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, मतलब वन डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे जो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर द रूट डी यू। ओके, यहाँ पे हमने सपोज करते यू इज इक्वल टू वन मंथली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन मंथली यू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह वन मंथली यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर द रूट डी यू। ठीक है, इज इक्वल टू मंथली वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे ये यू स्क्वायर द रूट जो है हम वन के नीचे अलग लगाएंगे और यू के नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, यू स्क्वायर द रूट मनफी यू डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर द रूट डी यू। ओके, इज इक्वल टू मनफी वन डिवाइडेड बाय टू, ये इंटीग्रेशन जो है हम जो है अलग अलग अप्लाई करते हैं दोनों पर। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये वन ओवर यू स्क्वायर द रूट जो है ना, ये यू जो है यू स्क्वायर द रूट यू की पावर वन ओवर टू, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिखते हैं यू की पावर वन ओवर डी यू, और यहाँ पे ये यू जो है ना इसको हम ये यू जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू स्क्वायर द रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे नीचे जो है यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला और ऊपर सिर्फ यू स्क्वायर द रूट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यू स्क्वायर द रूट डायरेक्ट हम जो है यू की पावर वन डिवाइडेड बाई टू, यू की पावर वन डिवाइडेड बाई टू लिखते हैं इंटीग्रेशन डी यू। ठीक है, इज इक्वल टू मन वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन की पावर जो है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगी, तो यू की पावर मंथली वन डिवाइडेड बाई टू की जो पावर है इसके साथ हम एक ऐड करेंगे और इसी पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यू की पावर मंथली वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई मंथली वन ओवर टू प्लस वन, और यहाँ पे ये जो है यू की पावर वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन ओवर प्लस वन। ठीक है, ये जो है मंथली वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन से वन ओवर टू, ठीक है, वन ओवर टू, और ये जो है वन ओवर टू, यहाँ पे वन ओवर टू मंथली, ये
वन ओवर टू प्लस वन से थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है आप लोग लेना है थ्री डिवाइडेड बाई टू, ठीक है इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू। ये वन ओवर टू जो है ये तकसीम जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है ना वन ओवर टू की जगह हम इसकी रिसिप्रोकल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब टू, ठीक है। तो ये टू यू की पावर वन ओवर टू मंस ये जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये डिवीजन, ठीक है। तो ये टू डिवाइड बाई थ्री यू की पावर थ्री डिवाइड बाई टू, ये मंस वन ओवर टू यहाँ पे मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है जगह का हमें। तो यहाँ पे ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और माइनस इन टू, ठीक है माइनस आ रही है प्लस आ रही है टू जो है और नीचे वाले टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये प्लस वाले पहले लिखते हैं यू की पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू वन से यू की पावर वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे यू की जो वैल्यू हमने यहाँ पे जो सपोज किया था यू इज इक्वल टू वन मंथली एक्स का दोबारा यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है या क्या हम इसको थोड़ा मिटाते हैं जगह कम है तो इज इक्वल टू वन ओवर थ्री यू की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ये वन मंथली एक्स स्क्वायर पावर थ्री डिवाइडेड बाई टू मंथली यू यू की जगह वन मंथली एक्स स्क्वायर और वन ओवर टू, ठीक है ये हम इस तरह लिख सकते हैं वन ओवर थ्री वन मंथली एक्स स्क्वायर वन मंथली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर द रूट वन मंथली एक्स स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर द रूट मंथली वन मंथली एक्स स्क्वायर वन ओवर टू की जगह स्क्वायर द रूट। तो ये कंप्लीट हो गया और आखिर में कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना हम इसके साथ। तो ये इंटीग्रेशन भी थी ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 मंथली एक्स स्क्वायर इन रिस्पेक्ट टू डी, इसकी जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना इतना मुश्किल नहीं था, आसान था, बस थोड़ी बहुत सोच की जरूरत है, ठीक है ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और टेंशन जो है बिल्कुल कोई टेंशन ना ले, हमेशा खुश रहे।